हाल ही में फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत ने 2 साल बाद ट्विटर पर वापसी की है और आते ही उन्होंने बिना नाम लिए शाहरुख की फिल्म पठान पर निशाना साध दिया। बीते कुछ समय से शाहरुख दीपिका की फिल्म को लेकर क्रेज पहले से बना हुआ है। वहीं जब फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुई तो इसने कमाई के मामले में सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ऐसे में कंगना रनौत ने अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी की रैप अप पार्टी से बाहर निकलने के बाद खुद को शाहरुख और फिल्म की तारीफ करने से रोक नहीं पाई। कंगना रनौत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आप उन्हें फिल्म पठान के बारे में बात करते हुए देख सकते हैं। कंगना फिल्म के बारे में बात करते हुए कहती हैं, हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है, पठान फिल्म अच्छा कर रही है। पठान फिल्म भी अच्छा कर रही है, ऐसी फिल्में चलनी चाहिए। और आई फील के जो हमारा खासकर हिंदी सिनेमा वाले पीछे रह गए हैं, हम भी अब हर इंसान अपने उस लेवल पे कोशिश। ट्विटर पर वापसी करते ही कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री पर निशाना साधा। एक्ट्रेस के लेटेस्ट ट्वीट को देखकर यही लग रहा है मानो वो शाहरुख की फिल्म पर निशाना साध रही हैं। उन्होंने इस ट्वीट में कहा कि फिल्म इंडस्ट्री मूर्ख है जो फिल्म की सफलता को पैसों से तौलती है। जिस दिन पठान रिलीज हुई थी उसी दिन कंगना ने ये ट्वीट किया था। बात करें पठान की तो शाहरुख खान की फिल्म ने पहले दिन ही झंडे गाड़ दिए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म ने पहले ही दिन 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। ऐसा माना जा रहा है कि पठान रिलीज के दूसरे दिन ही अपनी सेंचुरी पूरी कर लेगी। शाहरुख खान के फैंस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं।